ये सबसे बड़ी बात है। मेरा दोस्त एक चड्ढा डॉक्टर चड्ढा रहता है जनरल में, उसने मुझे लेटर लिख दिया तो मुझे वो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ये सुना था कि मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की राइटिंग समझ लेते हैं। मैंने मेडिकल स्टोर में दिखाया तो पट्टे ने 5 दिन की दवा निकाल के दे दी। तो आप लोग कैसे समझ लेते हैं, ये बड़ी बात है। जैसे ये कंपनी का प्रोग्राम है, ऐसे कंपनी में महीने की पहली तारीख में वर्कर ने मालिक से कहा, साहब मेरे 9-9, 10-10 बच्चे हैं, इतनी पगार मेरा काम नहीं चलता। मालिक कुछ नहीं बोला। दूसरे महीने वर्कर ने फिर कहा, साहब मेरे 9-9, 10-10 बच्चे हैं, इतनी पगार मेरा काम नहीं चलता। मालिक फिर भी कुछ नहीं बोला। तीसरे महीने जब वर्कर ने कहा तो मालिक से रहा नहीं गया। वो बोला, यार एक बात बताओ, हम अपनी कंपनी चलाएंगे तुम्हारी, और तुम्हारे 9-9, 10-10 बच्चे हो कैसे गए? बोला, साहब क्या बताएं, मैंने अपने ससुर से वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। यहीं पे खत्म हो गई, यहीं पे जानी थी। मैं जहां जहां कहूंगा खत्म हो गई वहीं बजानी है, क्योंकि जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हम लोग के लिए एनर्जी काम करते हैं, वैसे आपकी तालियां हमारे लिए एनर्जी काम करेंगी 2 बूंद जिंदगी की। एक बार जोरदार ताली बजा। मैं बता रहा हूं, बच्चे आजकल इतने होशियार हो गए, छोटे छोटे बच्चे इतने होशियार हो गए। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा क्या क्या पढ़ते हो? बोला, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जीके। मैंने कहा, अच्छा मैं तेरे जीके का टेस्ट लेता हूँ, ये बताओ बच्चे का जन्म लेना बायोलॉजी के सोशियोलॉजी? बोला, यदि बच्चे का चेहरा बाप के चेहरे से मिलता है तो बायोलॉजी, नहीं तो सोशियोलॉजी। अच्छा, ये डॉक्टरों का प्रोग्राम है, दवाइयों से रिलेटेड है, इसलिए दवाइयों से रिलेटेड कुछ बात करता हूँ। कि मेरे एक दोस्त हैं बिल्कुल हिंग कांग, मेरे से भी पतले दुबले, तो उनकी पत्नी बड़ी परेशान, डॉक्टर के पास गई, बोली, देखिए इनको कुछ खाते हैं कुछ लगता ही नहीं, डॉक्टर साहब इनको देखिए कुछ लगता ही नहीं। डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले, इनके अंदर आयरन की कमी है, आयरन की, इनको ऐसा करिए पालक खिलाइए। अब भारतीय नारी बड़ी आज्ञाकारी, सुबह पालक, शाम पालक, दोपहर पालक, पालक एक एक महीने पालक पालक खिला के आदमी पागल कर दिया। तो वो बोला, यार ऐसे ही मानेगी नहीं, तो पी के टुन होके आया, अबे चल चिकन बना चिकन। बोले, आपको आयरन की कमी, आपने डॉक्टर ने बताया पालक खाइए। बोला, अबे सुबह पालक, शाम पालक, दोपहर पालक, अबे जब मुंह से सरिया निकाल आएगी तब मानेगी। तो जैसा कि आप डॉक्टरों को हैंडल करते हैं, मेरे पड़ोस में समझ लीजिए नॉर्थ में आप जाइए, डॉक्टरों की दुकान परचून से ज्यादा डॉक्टरों की दुकान मिलती है। तो हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, सर्दी हो, जुकाम हो, मलेरिया हो, बुखार हो, कोई भी बीमारी हो, वो मरीज से बिना पूछे उसको इंजेक्शन ठोक देते हैं। सबसे पहला काम उनका इंजेक्शन ठोकना होता है। तो हमारे दद्दू एक इंजेक्शन लगवा के निकले, मैंने पूछा, दद्दू क्या प्रॉब्लम थी? बोले, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, हम तो केवल पता पूछने गए थे। नहीं, हाँ जहाँ अच्छा लगे वहाँ बजा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसा मैं बता रहा था, बच्चे छोटे छोटे बच्चे इतने होशियार हो गए, और सबसे बड़ा उसका कारण है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। तो जैसा देश वैसा भेद, बच्चे इतने होशियार हो गए। मैं एक दोस्त के घर पहुंचा, मैंने उससे पूछा, बेटा पापा कहाँ हैं? बोला, वो तो आउट ऑफ सर्विस हैं। मैंने कहा, मम्मी? बोला, वो तो नॉट रिचेबल हैं। मैंने कहा, अच्छा तेरी दीदी तो होंगी? बोला, वो तो इंगेज हैं। मैंने कहा, तेरा भाई? बोला, वो तो कवरेज एरिया के बाहर है। मैंने कहा, अच्छा तेरी दादी बहुत बोला करती थी, वो नहीं दिख रही हैं? बोला, उनका टैरिफ खत्म हो गया, वो कम बोलती हैं। मैंने कहा, तेरे दादाजी? बोला, उनकी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। मैंने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला, मैं सबकी कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे खत्म हुई। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मोबाइल अपन लोग रिचार्ज करते हैं, ऐसे अगर पति रिचार्ज होने लगे तो क्या होगा? हाँ देखो, मजा आ गया, पहले ही मजा आ गया। काम कम करना पड़ेगा पतियों को। पता चला महिलाएं अपने अपने पति को लेके दुकानों में खड़ी है, किसी को 10 का रिचार्ज कराना है, किसी को 20 का रिचार्ज कराना है, शॉपिंग के लिए 50 का नहीं खलेगा, सिनेमा के लिए 100 का चलेगा। अब जब आदमी ऑफिस से लौटा, पत्नी उसकी जेब चेक करती है, फिर क्या चेक करेगी? बैलेंस। बोली, सुबह 100 का रिचार्ज कराया था, 20 कहाँ खर्च होके आ गए? एक पैसे का रिचार्ज नहीं कराऊंगी, मिस कॉल के लिए तरस जाओगी। एक औरत दूसरी औरत से बोली, बहन तुम्हारे पति नहीं दिख रहे हैं। बोली, क्या बताएं, वो लाइफ टाइम इनकमिंग है ना, इसलिए उनकी कॉल रेट थोड़ी महंगी है, इसलिए बिना रिचार्ज घर में पड़े। तो दूसरी बोली, इसलिए तो मैं 2-2 सिम कार्ड रखती हूँ, एक पास टाइम एक लाइफ टाइम, सब तो कैसे बदल लेती हूँ। महीन बात समझ में आ गई सबको, आगे पीछे तक, और सब वेट कर रहे हैं कब पीछे फुर्सत मिले, कब उधर
बाहर लौटना शुरू होते हैं, 9 बजे का ऑर्डर था कि शुरू हो जाएगा, तब उसी का इंतजार कर रहे हैं। और इस समय ऐसे लग रहे हैं आप, वाकई अभी तो फैशन शो चल रहा था, मतलब आप पैंट शर्ट में, मैंने ब्रह्मांड सुंदरी अभी देखी थी, पैंट शर्ट में आप देख रहे थे, सब सुंदरियां बैठी हुई है। हाँ, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दें क्योंकि आप चैंपियंस हैं। मैं इसलिए कहता हूँ ताली बजाने के लिए, मैं अभी जयपुर में शो कर रहा था, मैं कह रहा था ताली बजाओ, सब लोग ताली बजा रहे थे, एक सज्जन नहीं बजा रहे थे बिल्कुल हमारे दिनेश भाई की तरह, समझ गए, वो ताली नहीं बजा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब ताली क्यों नहीं बजा रहे, बोले मैं ताली बजाने का लेती हूँ। शादी करने के बाद और मोबाइल खरीदने के बाद आदमी यही सोचता है कुछ दिन रुक जाते यार मॉडल नया मिल जाता। और मोबाइल और पत्नी में एक अंतर भी है कि मोबाइल में होता फोन बुक जिससे ये पता चल जाता है कि आखिरी नंबर किसने डायल किया। महीन बात सब लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल महीन बात समझ ले रहे हैं। अच्छा, हम लोग को कभी कस्टमर, कभी हम लोग को फोन में तकलीफ होती है, मोबाइल में तकलीफ होती है, तो हम लोग कस्टमर केयर में बात करते हैं। ऐसे एक बिहार से फोन पहुंच गया कस्टमर केयर में, बोला हेलो हमारे यहाँ 4 भैंसे पली हैं। बोला 4 भैंसे पली, आप मोबाइल संबंधित पूछिए। वही हम आपको बता रहे हैं, मोबाइल से पीछे छोटा सा आपको देते हैं ना। बोले हाँ सिम कार्ड देते हैं। बोले एक दिन हम भैंस अब निकाल के सुखा रहे थे, भैंस खा गई है और उसको हमने पंजाब भेज दिया है, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं रोमिंग तो नहीं कटेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग गणित विज्ञान भूगोल बेवजह पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल